बिहार राज्य की गिनती भले ही पिछड़े या बीमारू राज्यों के रूप में की जाती रही हो, लेकिन प्राचीन भारत में बिहार का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। उसकी समृद्धता का अंदाजा आप नालंदा विश्वविद्यालय से लगा सकते हैं, जो उस समय भारत में मौजूद प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक महत्वपूर्ण स्थल था। हालांकि इस विश्वविद्यालय के निर्माण के विषय में पर्याप्त जानकारी का अभाव है, फिर भी इसे कुमारगुप्त के शासनकाल अर्थात 414 से 455 ईस्वी के बीच बनाया माना जाता है। अब तक मिले अवशेषों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस विश्वविद्यालय में कई बड़े कक्षों के साथ छात्रावास जैसी सुविधाएं भी मौजूद थी। यहाँ हर विषय की शिक्षा दी जाती थी, साथ ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा विशेष थी। यही कारण है कि चीनी, जावा, लंका और कोरिया आदि से छात्र अध्ययन के लिए आया करते थे। इंसांग के अनुसार यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययनरत थे, जबकि इत्सिंग ने इनकी संख्या 3,000 बताई है। शिलभद्र के नेतृत्व में यहाँ करीब 1,500 शिक्षक कार्यरत थे। समय का पता करने के लिए जलघड़ी का प्रयोग किया जाता था।